हेलो हेलो। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं इससे बता दूँ, 2 सेकंड रुकना। इस चैप्टर को जो पढ़ने का हमारा तरीका होगा ना, थोड़ा डिफरेंट होगा। थोड़ा डिफरेंट मतलब क्या? टाइम आपके पास है नहीं अभी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। टेस्ट आपके सर पर ही है, तो उसको पहले समझाऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा नहीं, पहले हुआ उसके बाद रीड कराऊंगा, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझेगा, तो ज़रा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं तो रीड कराऊंगा तब, लाइन बाई लाइन नहीं कराऊंगा, पैराग्राफ वाइज कराऊंगा रीडिंग, ठीक है। मैं लाइन बाई लाइन रीडिंग नहीं कराऊंगा, फिर लाइन बाई लाइन आगे रीडिंग कराऊंगा मैं। फिर चैप्टर हमारा बिल्कुल भी एक दो दिन में खत्म नहीं होने वाला, चैप्टर खुल जाएंगे 3 4 दिन तक देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं समझाऊंगा, समझ लें ध्यान से, और फिर मैं पैराग्राफ रीड कराऊंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या मतलब है पता नहीं, क्या मतलब नहीं समझते हैं। अब ये बताओ, दुनिया में एक चीज होती है मैटर, दुनिया में एक चीज होती है, अगर नहीं जानते हो फिर मैं क्या होता हूँ, क्या पढ़ बेकार रहे हो। फिर आप पढ़ बेकार रहे हो, मैटर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप बेकार पढ़ रहे हो। जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आपको टेस्ट में आ रहा है, और पूरे का पूरा चैप्टर मैटर के ऊपर ही है। तो मैटर था जो मैं बताता था, मैटर फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में क्या बताता था, कि मैटर का एक ऐसा सब्सटेंस है, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड जिसके पास एक वॉल्यूम है, जिसके पास एक क्या है, वॉल्यूम, दैट हैज मास एंड दैट हैज मास, और जिसके पास मास है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, दैट कैन ऑल्सो भी फी फेल्ट, जिसको फील भी कर सके। तो है ना, ऐसा पढ़ाता नहीं, पढ़ाता बिल्कुल मैं। फिर हमने पढ़ाता कि मैटर जो होते हैं, मैटर मैटर सर अपने आप में कुछ होता, मैटर अपने आप में कुछ होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, मैटर बनाते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, मैटर बनाते हैं। ये हमें पढ़ा था, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं। हम देखा था सर, मॉलिक्यूल्स भी अपने आप में कुछ होता है, मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर होता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर मिलता है, मॉलिक्यूल जिनसे बनकर मिलते हैं एटम्स, होते हैं एटम्स, एटम्स यानी कि सर सबसे पहले होते हैं एटम्स, एटम्स ग्रुप होके मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स ग्रुप होकर क्या बन जाते हैं, मैटर बन जाते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये, हमने मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा था। आपको एक चीज बता दूं, कुछ
कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोगों का मानना था ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते। ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते। सर मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब कि फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते। उनका कहने का मतलब कि एटम्स अगर ढूंढने जाओगे ना, ढूंढने, तो आपको अलग से एटम्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एटम ढूंढने जाओगे तो आपको अलग अलग एटम्स नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप जाओ आपको एटम्स ग्रुप में मिल जाएंगे, आपको एटम्स ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप में मिल जाएंगे मतलब क्या? उनको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपको। अगर आप नेचर में ढूंढने जाओगे तो आपको एटम्स अलग से एक एक करके एटम्स नहीं मिलेगा। अगर आप तो सबको कि नहीं मैं तो एटम से एक ढूंढ के लाता हूँ, एक एटम पकड़ के लाता हूँ, एक एटम पकड़ के लाता हूँ, तो आपको एक एटम नहीं मिलेगा। ठीक है, वो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता। ये होता है तो ग्रुप में होता है, ग्रुप में होता है, ग्रुप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर लोगों ने ये कहा कि ये तो फिर क्या होगा, ये तो फिर क्या होगा, इसका हम यही हो सकते हैं, इंडेस्ट्रक्टेबल। कुछ लोगों ने फिर उसको नाम क्या दे दिया? इंडस्ट्रिकल। क्या नाम दे दिया? इंडिस्ट्रक्टेबल। चलो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या हुआ। कुछ लोगों ने पहले सोचा, कुछ लोगों ने बोला क्या, कुछ लोगों ने रिसर्च की, तैयार किया, तो एटम्स ने उनको अलग स्टेट में नहीं मिला, अलग स्टेट में नहीं मिला। फिर खुद चलो एटम्स के बारे में बोलने लगे, एटम्स के बारे में बोलने लगे। कोई बोला एटम्स ना नेचुरल एलिमेंट से मिलकर बताए, जैसे आग, अग्नि, हवा, है ना, फायर, बगैर फायर, अर्थ, अर्थ, इनसे मिलकर एटम्स बनता है। तो उसमें का ये कहना था, ठीक है। तो ऐसे जो लोग थे, जो थे सो थे, ठीक है। तो उन ऐसे लोगों ने कहा कि फ्री स्टेट में आपको मिल ही नहीं सकता, फ्री स्टेट में आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। फिर बात आती है एटम्स की, फिर बात आती है एटम्स में होता क्या है, एटम्स क्या है। बड़ी दिक्कत आने लगी इस एटम्स के ऊपर। तो एटम्स के ऊपर डिस्कवरी हुई, एटम्स के ऊपर डिस्कवरी हुई। तीन लोग आए, तीनों ने अलग अलग बताया। एक इंडियन महर्षि कनाडा थे, एक इंडियन महर्षि कनाडा थे, उन्होंने बोला एटम क्या है। एटम है इनडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट है, एक इनडिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस है जिसको खत्म ही नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन्होंने बोला एटम एक ऐसी चीज है, एटम एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसा हमारे से कनाडा का कहना था, ऐसा हमारे से कनाडा का कहना था कि एटम ऐसा सब्सटेंस है, एटम एक ऐसा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जिसको आप ना तो बना सकते हो, ना ही जिसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। फिर इनके बाद एक और आए, कौन आए? डेमोक्रेटिकस। ये ग्रीक के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि इंडिविजिबल है, कि ये इंडिविजुअल मतलब क्या? इन्होंने कहा कि जो एटम है ना, एटम भी किसी मटेरियल की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। इट कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, इसको आप और ज्यादा फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी बहुत छोटा है ये, तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसको आप और छोटा नहीं कर सकते। तो इतना छोटा है कि आप नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। हाँ, आप बहुत सारे माइक्रोस्कोप लगाओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के, बहुत अच्छे अच्छे पावर के माइक्रोस्कोप लगाओ, तभी आप एटम को देख पाओगे, अदरवाइज आप एटम को देख भी नहीं सकते हो, इतने छोटे होते हैं। ऐसा इनका कहना था। एक और है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा कि इनडिविजिबल तो नहीं कह सकते, आपको इनडिविजिबल तो नहीं कह सकते, ना आप इनडिस्ट्रक्टिबल कह सकते। ये ना सबसे छोटे पार्टिकल है, इसमें सबसे छोटे पार्टिकल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनिमेट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनिमेट है। एटम जो होते हैं किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल।
ठीक है। और इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। उन्होंने ये पता लगाया, इन्होंने तो नहीं पता लगाया, इन्होंने बस इतना बोला कि वो छोटा पार्टिकल है, ठीक है। फिर कुछ स्टडी और चली इसके ऊपर, एटम के ऊपर, कुछ टाइम स्टडीज और चली इसके ऊपर, कुछ टाइम स्टडी और चली इसके ऊपर। तो पता लगा कि जो एटम है, एटम एटम भी और चीज़ों से मिलकर बनता है। एटम के अंदर खुद चार चीज़ें होती है। एटम के अंदर क्या होती है? चार चीज़ें होती हैं। तो क्या चार चीज़ें होती हैं? इलेक्ट्रॉन, और तीन चीजें होती है बेसिकली, चार तो नहीं, चौथी चीज जगह का नाम है। चीजें तीन ही होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ठीक है। बाद में धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, और लोग पता लगाते गए कि एटम ना, पहले लोग कहते थे कि ये डिविजिबल नहीं हो सकता, ये सब छोटा पार्ट है, इसको और ज्यादा फर्दर पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते। नहीं, बाद में मालूम पड़ा करिए जो एटम है ना, एटम ये तो खुद तीन चीजों से मिलकर बनता है, ये तो खुद तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन वो कह रहा है कि इसके तीन एलिमेंट्स और होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तीन तरह की चीजें होती हैं। सर किस किसने पता लगाया? इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया जीजे थॉमसन ने, जीजे थॉमसन ने। प्रोटॉन के बारे में पता लगाया ए गोल्डस्टाइन ने, ठीक है। न्यूटन न्यूटन के न्यूट्रॉन 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 के बारे में पता लगाया जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। नाम याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। तो इन्होंने पता लगाया सर, कैसे कैसे पता लगाया ये तो हम शायद इस वीडियो में पढ़ेंगे भी नहीं, बहुत बोरिंग है और बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको तुम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेगी। हर किसी ने कुछ अलग अलग क्या कह सकते हो आप, रिसर्च की थी। किसी ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की तब उनको इलेक्ट्रॉन्स मिले, किसी ने एनोड रेज की डिस्कवरी की तो उन्हें प्रोटॉन्स मिले, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने केवल वेट वगैरह चेक किया तो उन्हें न्यूट्रॉन मिल गए, न्यूट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, कैसे हुआ था मेरे को बताओगे जरा? हाँ बताता हूँ मैं। इस इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है ना, वेट वो इतना होता है, इतना ग्राम, इतने ग्राम, 0 ग्राम, 0 ग्राम मतलब लिखने के लिए इसका वेट होता है 1/1857 समथिंग, 1/1857 ग्राम। सर 1/1857 ग्राम का मतलब क्या है? मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैं रफली बता रहा हूँ। 1/1857 अगर आप करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है ना, पता है वो क्या आएगा? 0.00054, यानी इतना कम वेट होता है ग्राम से ना। इसमें जो वेट होता है प्रोटॉन ना, सपोज करो वन, सपोज करो वन, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है। न्यूट्रॉन की सबसे लास्ट में होती है। 2 मिनट रुको जरा।
कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसी है, ये इजी है सबसे ज़्यादा। बाकी दोनों की जो डिस्कवरीज थी ना वो बहुत डिफिकल्ट है, फिर बातें पढ़ेंगे वो भी, पर इसकी बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का वेट था 0.00054 ग्राम, इसका वेट मान लो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कितना था 1 ग्राम, ठीक है। तो जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तो लोगों का कहना था कि एटम्स ना दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। और उनका कहना भी सही था क्योंकि न्यूट्रॉन तो डिस्कवरी नहीं होता, न्यूट्रॉन कहना तो पता ही नहीं था किसी को, तो उसके बारे में कैसे कह दे। तो लोगों का कहना था कि एटम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। बट दिमाग लगाया गया क्या, लोगों ने कहा कि एटम जो है ना, एटम वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से। तो उन्होंने देखा कि एटम का वेट जो होता है ना, एटम का वेट 2 ग्राम होता है, क्या होता है 2 ग्राम, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका वेट है ये तो 0.00003 times 0 था ना, 5 + 1 है, यानी कि ये तो 2 के बराबर हुआ ही नहीं, 2 के बराबर हुआ नहीं। तो लोगों ने पता लगाया कि यहाँ पे कुछ तो कुछ और तो है, तो जब तो यहाँ पे कुछ और नहीं होगा, तो 2 ग्राम तो होगा ही नहीं। तो लोगों ने पता लगाया यहाँ पर एक चीज़ और है, वो क्या है, न्यूट्रॉन्स। तब जाकर डिस्कवर हुआ, यानी न्यूट्रॉन को कैसे निकाला गया, बैलेंसिंग फिगर से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, क्योंकि एटम्स का वेट, एटम का वेट मैच ही नहीं हो रहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिलाने से, क्योंकि अगर एटम अगर दूसरों से मिलकर बने तो दोनों चीज़ों का वेट इज इक्वल टू एटम होना चाहिए था, और दोनों का वेट इक्वल था ही नहीं, तो उन्होंने कहा ये जब वेट जो कम आया ना, ये वेट ऐसे डालेगा कि यहाँ पे हमने सब्सटेंस कम लिए हुए, तो एक वेट उन्होंने ढूंढा और उसका नाम उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया, ठीक है। इस तरह से डिस्कवर हुई। अब जरा बुक्स आपके पढ़ते हैं, ठीक है। यू आर अवेयर दैट एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर, बट डू यू नो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एट मैटर इज एटम, एटम्स आर एक्सट्रीमली माइनर पार्टिकल्स, दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई, हाउएवर दे आर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स एंड दे कैन इवन बी सीन थ्रू द वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो कह रहे हैं आप जानते हो कि जो कुछ भी जो क्या करता है स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास मास होता है उसको मैटर कहते हैं, बट क्या आप जानते हो कि एटम सबसे छोटा स्मॉल सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और इतना छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, इनफैक्ट इतना छोटा पार्टिकल होता है कि आप उसको नेक्ड आईज से देख ही नहीं सकते हो। हाँ, बट फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, जिसको आप बहुत छोटे छोटे बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करके देख सकते हो। इन एंशिएंट टाइम्स ग्रीक फिलोसफर्स were present about the nature of matter, gradually the idea developed that all matter must be made up of some basic elements. वो कह रहा है पुराने टाइम में कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे, वो पजल्ड थे, पजल्ड मतलब कंफ्यूज थे, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, मैटर के नेचर के बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर है क्या, किससे बना है, कैसे नहीं बना। धीरे धीरे आइडिया डेवलप होता गया और ये डेवलप हुआ, लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि हाँ कुछ तो छोटी चीज़ है जिससे सारे मेटल बने हुए, कुछ तो बेसिक एलिमेंट है जो सारे ही मेटल बने हैं। लोगों ने कहा अरे ये तो वाटर, अर्थ, फायर, एयर, इसका इन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, ये 5 फंडामेंटल एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर बने हैं, ऐसा पुराने टाइम में माना जाता था, ठीक है। बट वी नो नाउ दैट एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है पर आज के टाइम पर अगर बात करें तो हम तो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि मैटर किससे बना हुआ है, एक तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि सबसे छोटा एलिमेंट है, जो कि सबसे छोटा एलिमेंट होता है किसी भी मैटर का, और जिसकी प्रॉपर्टी होती है सेम होती है, ठीक है, डेफिनेट मतलब सेम होती है सभी की।
फिर आया सबसे पहले महर्षि कनाडा, जिसके बारे में जिसके बारे में मैंने एक बात बताया था। और हाँ एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, ये तीन जो एटम्स जो तीन पार्ट्स है ना उसके, एटम्स के जो अंदर जो तीन पार्ट्स होते हैं, इन तीनों एलिमेंट्स को पता हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल और या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या तो इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, फिर इनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। महर्षि कनाडा वॉज अ ग्रेट इंडियन फिलोसफर, अकॉर्डिंग टू हिम मैटर कंसिस्टेड ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। अ परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, रेदर इट कम्बाइंस विद अदर परमाणु टू फॉर्म अ बिगर पार्टिकल कॉल्ड द अणु। ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमाणु, ईच वन ऑफ देम एग्जिबिट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस, डेमो उससे सही तो बात बताएंगे, वो कह रहे हैं महर्षि कनाडा के इंडियन फिलोसोफर थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैटर क्या था, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स था, जिसको उन्होंने नाम दिया परमाणु, जिसको उन्होंने जिनको जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। फिर उन्होंने कहा परमाणु जो आपको है ना, परमाणु ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ये ग्रुप में मिलेगा, और ग्रुप में मिलता है उसको उन्होंने नाम दिया अणु। क्या नाम दिया, अणु, जिसको मास के टाइम पे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट सभी क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एग्जिबिट मतलब शो करना। ठीक है सर, यानी महर्षि कनाडा के व्यूज कहते हैं, महर्षि कनाडा के व्यूज सिंपल से तरह से थे कि इन्होंने एक तो एटम को एटम नहीं बोला, इन्होंने एटम को परमाणु बोला। ठीक है, और उसको इनडिस्ट्रक्टिबल बताया, और दूसरा इन्होंने मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल्स से बोला, इन्होंने मॉलिक्यूल्स को अणु बोला। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं ध्यान रखना है इनके में। डेल्टन एटम, फिर आते हैं ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, कॉल द परमाणु एज एटम विच कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटम्स मीनिंग इंडिविजिबल। फिर आता है ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, उन्होंने परमाणु को नाम दे दिया एटम, यानी एटम नाम अब आया, पहले तो एटम नाम था ही नहीं, जो एटम जो नाम दिया था उन्होंने नाम दिया था, इन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है, उसका ग्रीक में मीनिंग होता है इंडिविजुअल, उसका ग्रीक में मीनिंग क्या होता है, इंडिविजुअल, जिसको और फर्दर डिवाइड ना कर सके, ऐसा इनका थॉट था। फिर है थर्ड जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन। ठीक है, उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च की, उन्होंने कुछ अपनी थ्योरी दी एटम्स के ऊपर। इन 1800 जॉन डेल्टन एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्क्राइब एंड डिस्क्राइब द एटम एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर एक्सटेंट। ठीक है, यानी जॉन डेल्टन ने उन्होंने क्या बताया, उन्होंने इसको क्या था, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है, प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। सो प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज फीचर्स में कुछ ये उन्होंने फाइव फीचर्स बताए उन्होंने, क्या पहले होता है मैटर जो होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनता है। ठीक है, और ये बहुत छोटे छोटे और इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, वो कह रहे थे उन्होंने बताया कि मैटर जो है, मैटर वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एटम्स नाम देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा उन्होंने, एटम्स का नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, उन्होंने कहा एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, मास, डेंसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। वो कह रहा है कि एटम्स जो होते हैं किसी एक एलिमेंट के, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक अगर एलिमेंट की बात करें, किसी एक अगर एलिमेंट की, अगर किसी मैटर की बात करें, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, उस सारे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, हर तरह से, हर तरह से, इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब कि हर तरह से, हर तरीके से,
चाहे साइज को देख लो, चाहे डेंसिटी को देख लो, चाहे मास को देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, कुछ भी देख लो, हर तरह से वो क्या होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे, ठीक है, बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। लेकिन आप अगर चेयर के एटम को फैन के एटम से कंपेयर करोगे, हाँ तो वो डिफरेंट होंगे, तो वो डिफरेंट होंगे, हाँ, लेकिन चेयर के एटम को दूसरे चेयर के एटम से मैच करोगे या उसी चेयर के और एटम से मैच करोगे तो वो आइडेंटिकल होंगे, तो वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। फिर कह रहे हैं कि एटम्स जो होते हैं एटम फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये क्या करते हैं अपने आप को कंबाइन करते हैं बाकी एटम्स के साथ और एक मॉलिक्यूल बनाकर दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। वो क्या कह रहा है कि एटम्स जो होते हैं एटम्स वो जब भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं। होल नंबर रेशियो मतलब क्या, ऐसा नहीं होता कि कोई भी मैटर आपको बना तो उसमें आधा आधा एटम लग जाए, आधा नहीं, आधा बगैर नहीं लगता, पूरा लगता पूरा, ठीक है। ठीक है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। वो कह रहा है एटम्स वो सबसे छोटे पार्ट है, एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर के जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट केवल किस में करते हैं, only rearrangement of atoms takes place, यानी वो उनके बीच में केवल एटम्स का हो सकता है, एटम्स आगे से पीछे जा सकते हैं, एटम्स खत्म नहीं होंगे, नए एटम्स और बनेंगे, नए एटम्स और फर्दर डिवाइड होंगे, वो केवल एटम्स क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये सिक्स प्रॉपर्टी जॉन डेल्टन ने बताए थे, ठीक है, याद करनी है। हालांकि आपको पता है क्या हुआ, जॉन डेल्टन के बाद कुछ लोगों ने और रिसर्च की, कुछ लोगों ने और स्टडी की इसके ऊपर, और उन्होंने देखा कि इनकी ना सारी की सारी मोस्ट ऑफ दी, मतलब सारी की सारी तो नहीं कह सकते, मोस्टली सारी, मोस्टली मोस्ट ऑफ दी जिनकी जो थ्योरीज थी ना वो सारी गलत है सर। हाँ तो क्या सर याद नहीं करनी, नहीं याद तो करनी है, बुक में तो पूछेंगे आपको कि जॉन डेल्टन के अकॉर्डिंग क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो तो आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो आपको याद तो करना है। पर रियल लाइफ में इनकी बातों को नहीं माना जाता है, उन्होंने कहा कि इनकी सारी थ्योरीज गलत है, सिवाय इसको छोड़ के, तो वो लिखा हुआ। लेटेस्ट रिसर्च अबाउट एटम्स हैज प्रूव्ड दैट मोस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी आर इनकरेक्ट, मोस्टली इनकरेक्ट है, सिवाय किसके, बट डेल्टन वाज राइट दैट एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हाँ, बट जो पार्टी जे वाली जो लाइन थी कि ना एटम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ बस यही सही है, बस यही सही है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है, ठीक है। क्या क्या हेडिंग आती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलो ना, ऑफ एटम्स एंड अर्ली मॉडल ऑफ मेटल, यानी बता रहा है कि एटम्स कैसे होते थे, है ना, वो बता रहा है। तो अब कह रहा है स्टडीज एंड डिस्कवरीज इन द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी शो दैट एटम्स आर डिविजिबल। सर कुछ इंडिविजिबल बोला था, हाँ जो ग्रीक के फिलोसफर थे उन्होंने इसको इंडिविजिबल बोला था, लेकिन बाद में उनकी भी रिसर्च फॉल्स प्रूव हो गई, लोगों को पता नहीं तो डिविजिबल है, बल्कि तो बहुत और दो और तीन चार पार्टों से मिलकर बना, तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर तो ऑल तीन पार्टिकल्स होते हैं। हाँ तो उन्होंने, चलो पहले पढ़ लेते हैं, मैं समझाता हूँ। दैट इज दे आर कम्पोज ऑफ सच स्मॉलर पार्टिकल्स, द थ्री मेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दिस पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कुछ स्टडीज हुई, डिस्कवरीज हुई, होती रहती हैं सर, ऐसा नहीं कि किसी एक ने अगर किसी रिसर्च के बारे में बता दिया तो वही हम सच मान लें, अब उसके आगे हम ना जाए, हम
और आगे जानने के लिए पता जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टडीज चली, आगे रिसर्च चली, एक्सपेरिमेंट्स चले, लोगों को पता चला, मतलब जो जो लोग स्टडी करते थे उन्होंने डिस्कवर किया कि जो एटम एंड एटम जिसको ग्रीक फिलोसफर इंडिविजुअल बोल रहे थे वो तो गलत है, ये तो डिविजुअल है, ये तो डिविजुअल है। इनफैक्ट ये तो तीन छोटे छोटे पार्टों से मिलकर ना हुआ है, इसके अंदर तो इससे भी तीन छोटे पार्टिकल्स है, यानी कि उन्होंने ये भी रॉन्ग प्रूव कर दिया कि जो एटम एंड एटम ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, गलत। उन्होंने कहा ये सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होता, इनसे भी स्मॉलेस्ट और होते हैं, इनसे भी स्मॉलेस्ट और भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हो गए इलेक्ट्रॉन, हो गए न्यूट्रॉन, हो गए प्रोटॉन्स, हो गए, ठीक है। इनको ग्रुप में क्या बोला जाता है, इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट इट कैन बी मेड, छोड़ दो इस पैराग्राफ को, अभी काट दो, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं समझाऊंगा, पर अभी इसको छोड़ दो, ठीक है। तो क्यों छोड़ दो, क्योंकि आपको चार्ज का मीनिंग नहीं पता, ठीक है। चार्ज का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं पता है ना अच्छे से तो हम ये पढ़ नहीं सकते, इसलिए भी इसको कटवा रहा हूँ मैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा इसके ऊपर बैक में तो मैं इसको पढ़वाऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पहले मैं फिर समझा दूं, ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का मानो एटम, ये मानो एटम, ठीक है। अब इस एटम के अंदर तीन चीजें होती है, इसके अंदर क्या होती है, तीन चीजें होती हैं, क्या तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन और होता है, न्यूट्रॉन और होता है, न्यूट्रॉन आप देख सकते हो, न्यूट्रॉन की इन्होंने पिक्चर नहीं दी, नहीं दी, नहीं दी, न्यूट्रॉन की उन्होंने पिक्चर नहीं दी है, पर तीन इसके अंदर ऐसे तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, तीन चीजें होती है, ठीक है। अगर डिस्कवरी पढ़ते हैं, जैसे हमारा आज तक का टारगेट था, प्रोसेस को छोड़कर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1897, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1897 बाय जीजे थॉमसन व्हेन ही वाज स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। जीजे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए, वो भी कब, जब वो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये पेंडिंग क्वेश्चन है हमारा, जो पेंडिंग की मैंने बोलता ना रिसर्च हम बाद में पढ़ेंगे, ये रिसर्च है उनकी कि किस रिसर्च से उनको क्या मिला, ठीक है, ये भी इनका पेंडिंग, ये भी अभी हमारा पेंडिंग है, ठीक है। रिसर्च हमारी, रिसर्च सब पढ़ेंगे, रिसर्च सारी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज डिलीनिएट कर दें, तो कह रहे इलेक्ट्रॉन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्ट है किसी भी एटम का जिसको आप अलग ही नहीं कर सकते, जो तो जुड़ा हुआ है, इंटीग्रल मतलब क्या, जुड़ा हुआ है, जिसको आप अलग ही नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अभी कौन, अभी ये क्या फीचर है, ये एक्टिविटीज है, वो कह रहा है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो उससे अलग होती है, उससे अलग होती है, किससे अलग होती है, उस गैस से अलग होती है जो डिस्चार्ज ट्यूब में होती है। फिर कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट मास एंड इट कैरीज अ डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक तो डेफिनेट मास कैरी करता है, देखो मैं थोड़ा गलत हो गया था, मैंने वहां पर वेट मिला था 1/1857, पर वो 1/1837 है, ठीक है। तो कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन फाउंड टू बी 1/1837 ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी एक हाइड्रोजन एटम में जितना मास होता है उसका 1/1837 वा पार्ट उतना वेट किसी एक इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी एग्जैक्टली फिगर बोली जाए
9.108 इंटू 10 to the power -28, -28 यानी मैंने तो बोला बहुत बहुत ज़्यादा वेट ले लेता है, बहुत कम वेट होता है, बहुत कम वेट होता है, ठीक है। क्या ये वेट याद रखना है? हाँ ये वेट याद रखना है। ठीक है सॉरी ये पॉइंट ठीक है। एंड इट कैरीज अ डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है सर, चार्ज का होता है, बाद में समझाऊंगा बेसिकली। अब आपको पता तो होना चाहिए रेडिकल्स वाले चैप्टर में पढ़ते आयंस पढ़े तो कुछ पॉजिटिव होते तो कुछ नेगेटिव होते थे, उन्हीं को चार्ज बोलते हैं बेसिकली। तो उस चैप्टर को रिवाइज कर लेना सारी चीज़ों को, मैं दोबारा से नहीं समझा पाऊंगा डिटेल में, है ना, समझ रहे आप। जो प्रीवियस चैप्टर्स में जो हम पढ़ चुके हैं वो हम दोबारा से नहीं पढ़ सकते, एक चैप्टर के अंदर हम दो चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट हैज चार्जेस वन यूनिट नेगेटिव चार्ज, तब बता रहा है उसका जो चार्ज है वो क्या है, वन यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास, होता है वन यूनिट होता है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। जिसकी अगर वैल्यू देखी जाए यूनिट में, अगर वैल्यू देखी जाए तो 1.602 इंटू 10 to the power -19 कॉलम, है ना। कॉलम क्या यूनिट है, कॉलम क्या यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरिंग चार्ज, यूनिट ऑफ मेजरिंग चार्ज है ना, चार्ज को मेजर करने की यूनिट। और नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय सिंबल ऐसा, ई सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है माइनस वन, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जीरो। तो जीरो है जीरो, ये जीरो रिप्रेजेंट करता है वेट को, तो जीरो क्यों देखा हुआ है। अरे बेटा आप देखोगे जब इसको ओपन करोगे तो ना आपको 28 जीरो लगाने पड़ेंगे, 28 जीरो, तो 28 जीरो लिखूंगा मैं ये, कि अगर 28 जीरो लिखूंगा पहले में पूरा नहीं, तो 1 जीरो लिख के रखते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है। ऑलमोस्ट जो इसका वेट है वो नेगलिजिबल है, नेगलिजिबल मतलब क्या, ध्यान है इसको कोई कंसिडर भी नहीं करता, कम वेट है, ठीक है। तो जीरो डिपेंड करता है इसका वेट, और जो नीचे माइनस वन है तो माइनस वन डिपेंड करता है इसका चार्ज, क्या करता है इसका चार्ज की वन यूनिट चार्ज है, वो भी नेगेटिव, वो भी कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन्स की समझ में आ गए। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बेसिकली किस तरह से, पहले समझ लो जरा, लोगों के दिमाग में ख्याल आया, लोगों के दिमाग में ख्याल क्या आया कि एटम्स कुछ चीजों से मिलकर बनता है, कुछ चीजों से मिलकर बनता है, तभी तक एक ही से डिस्कवर हो पाई है, अभी तक एक ही से डिस्कवर हो पाई है इलेक्ट्रॉन्स। लोगों ने कहा एटम्स इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन उन्होंने देखा एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, जो एटम होता है एटम, एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब क्या, ना तो उसके पास प्लस, ना तो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, ना तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो लोग सोचने लग गए कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो उन्होंने थोड़ा सा मैथ्स लगाया, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने देखा कि एटम का जो साइन होता है ना, एटम का जो साइन होता है, एटम का जो चार्ज होता है एटम का, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन अभी तक डिस्कवर क्या हुआ है, डिस्कवर तो ये हुआ है क्योंकि आपके जो एटम्स है ना, एटम्स ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बने हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने, जिसका साइन क्या होता है, नेगेटिव, जिसके पास चार्ज होता है नेगेटिव। तो हम कह रहे हैं कि तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको कैसे हटाओगे, इसको कैसे हटाओगे, इसको कैसे हटाओगे, उसको हटाने का मैथ तरीके क्या होता है, सर प्लस ऐड कर दो, सर प्लस ऐड कर दो, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तभी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्यों जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, तो उनको पता लगा कि हाँ इस एटम के अंदर ना कुछ और भी है,
कुछ और भी है, यहाँ पर कुछ और भी है, और वो जो भी है, यहाँ पर कुछ तो है, जो भी है उसके पास चार्ज कैसा है, उसके पास चार्ज कैसा है, उसके पास चार्ज है पॉजिटिव, उसके पास चार्ज क्या है पॉजिटिव। तो इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी, यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे, बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। उन्होंने कहा द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम सजेस्ट दैट इट मस्ट कंटेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एज वेल, अदरवाइज एज एन एटम वुड नॉट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टाइन, अ जर्मन साइंटिस्ट, व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ डिस्चार्ज ट्यूब फिटेड इन अ परफोरेटेड कैथोड विद स्मॉल होल्स टू अलाउ पासेज ऑफ पॉजिटिव रेज कॉल्ड कैलोज रेज, अ रे व्हिच वाज जस्ट द अपोजिट ऑफ टू द कैथोड रे इन ऑल रेस्पेक्ट वाज एमिटेड फ्रॉम द एनोड। दिस रे वाज नेम्ड द एनोड रे। द एनोड रे कंसिस्टेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, छोड़ते हैं उसको, इस वाले क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं, ऊपर वाले तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। सर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज था, उसने सजेस्ट किया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो, पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो हमारा जो एटम है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल मतलब क्या, विदाउट सिंबल नहीं होता, विदाउट चार्ज नहीं होता। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नलीफाई कर दे, उसका इफेक्ट जीरो कर दे। तो उन लोगों ने रिसर्च किया, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो ई गोल्डस्टाइन ने फिर कुछ डिस्कवर किया कुछ पार्टिकल्स और देखा कि उनके पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दिया पार्टिकल्स, वो प्रोटॉन्स, क्या नाम दिया प्रोटॉन्स, ठीक है। किस तरह से उन्होंने डिस्कवर किया वो हम बाद में पढ़ेंगे प्रोसेस, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स। द मास ऑफ प्रोटॉन वाज कैलकुलेटेड एज बीइंग इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। सर वहाँ पे थोड़ा 1/1837 में पार्ट था, यहाँ पे कह रहा है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, मास ऑफ प्रोटॉन वो क्या है, इक्वल है हाइड्रोजन के मास के बराबर है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो 1.672 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये याद करने हैं फिर सारे आपको वैल्यूज है ना। द पॉजिटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहा है जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये ना इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होंगे उतने प्रोटॉन पर चार्ज होने चाहिए। ऑब्वियसली तभी तो दोनों आपस में बराबर होकर कैंसिल होंगे, ठीक है। तो वो ये लिखा हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना प्रोटॉन पर कैसे होंगे इक्वल होगा, वो कैसे होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पर दो चार्ज हैं तो प्रोटॉन पर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन पर अगर 10 नेगेटिव चार्ज हैं तो प्रोटॉन पर 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। ठीक है सर, इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे नाप हो जाते हैं, ये तो इस तरह से यूनिट दी हुई है आपको, ठीक है। सेकंड दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है, ठीक है। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, हाउएवर नो टू एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लिय। फॉर एग्जांपल द एटम्स, द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कंटेन 1 2 3 6 7 8 प्रोटॉन्स रेस्पेक्टिवली, सिंस एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम। वो कह रहा है फर्दर एक्सपेरिमेंट प्रूव किए गए, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ठीक है। उन सारे एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स को प्रूव किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हुए थे, ठीक है। तो पता लगा क्या, नो टू एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लिय। यानी अगर आप दो एलिमेंट्स को उठाकर देखो तो दो एलिमेंट्स के जो न्यूक्लिय वो प्रोटॉन्स होंगे वो बराबर नहीं होंगे, ठीक है। नहीं है तो नहीं है,
उसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसा पता चला, ठीक है, एग्जाम्पल को दे रहे कि हमें हाइड्रोजन देखा, हीलियम देखा, लिथियम देखा, कार्बन देखा, नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखा, तो किसी में सर एक था किसी में दो था किसी में तीन था किसी में छह थे किसी में सात थे किसी में आठ प्रोटॉन थे, सो में अलग अलग थे, किसी में बराबर नहीं थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जो एक एटम है, एटम तो न्यूट्रल होता है, तो एटम न्यूट्रल होता है तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एटम में वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एटम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रोटॉन को कैसे डिनोट किया जाता है? वो ही इलेक्ट्रॉन को किया जाता है। बस यहाँ पर वेट थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे ऊपर भी वन लिखा जाता है, नीचे भी प्लस वन लिखा जाता है। प्लस वन क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। ये क्या देखना, वन रिप्रेजेंट वन एएमयू, एएमयू मतलब क्या? एटॉमिक मास यूनिट है ना, एएमयू की फुल फॉर्म याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है ना। तो पेंडिंग रखते हैं, तो पेंडिंग क्यों? अभी डिस्कवरी बता दूं मैं आपको, सारी डिस्कवरी इसका सुनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डिस्कवरी डिस्कवरी आवा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या चीज़ है? अरे तो आपने वहाँ पर लिखवाया नहीं था। हाँ ये मैं लिखवाया नहीं था, इसलिए इससे पहले हम ये पढ़ते जरा। डिस्कवरी न्यूट्रॉन, ठीक है। द मास ऑफ एन एटम वॉज इन फैक्ट, ये कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया, इसको बैलेंस फिगर दिखाया गया था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट कंबाइन किया गया, और देखा ये जो वेट है ना, ये तो एटम के वेट के बराबर जा नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कुछ तो मिसिंग है, या किसी ये कम आ रहा है, यानी कोई ना कोई एटम तो मिस, कुछ ना कोई तो एलिमेंट हम मिसिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ एक एटम मिसिंग है जिसका है न्यूट्रॉन, जिसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। तो सब न्यूट्रॉन की क्या डिस्कवरी हुई थी, तब वो कहते हैं द मास ऑफ एन एटम वाज इन फैक्ट कंसीडर्ड टू बी एंटायरली कंसंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। वो कह रहे जो मास है ना एटम का, उसको कंसीडर कैसा किया गया था? टू बी एंटायरली कंसंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स सिंस इलेक्ट्रॉन्स वर राइटली थोटे नेग्लिजिबल मास। ऐसा माना गया था स्टार्टिंग में, ऐसा माना गया था स्टार्टिंग में कि किसी भी जो मास, किसी भी एटम का जो मास है ना, मास वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन्स के मास के बराबर। सर क्यों इलेक्ट्रॉन्स को प्लस क्यों नहीं किया गया? अरे इलेक्ट्रॉन को प्लस किया गया, करेक्ट किया गया, और बोल नहीं रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट ना बहुत 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 कम था। बहुत कम था तो इसलिए उसको नेगेटिव बोल दिया, उसको तो कंसिडर ही मत करो, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जब ऐसा कर रहे थे तो इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द न्यूक्लियस हैड अ ग्रेटर मास देन व्हाट कुड बी अकाउंटेड फॉर बाय प्रोटॉन्स अलोन। तो उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब कि एक ऐसी जगह एटम्स के अंदर जहाँ पर प्रोटॉन्स रहते हैं, जहाँ पर प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस का ना वेट जो है, इस न्यूक्लियस का जो तो वेट है ना, ये तो बहुत ज़्यादा है, इसके पास जो मास है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसके पास जो मास है ना वो अकेले प्रोटॉन से बहुत ज्यादा है, यानी प्रोटॉन का वेट कम है, प्रोटॉन का मास कम है, और न्यूक्लियस का मास ज्यादा है। तो इट वॉज रियलाइज दैट देयर मस्ट बी थर्ड टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो रियलाइज किया गया कि यहाँ पर कुछ तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए, यहाँ पर कुछ तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए, विच वॉज प्रेजेंट था न्यूक्लियस, जो कि पेरेंट था, एंड हैड द नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव चार्ज, और ना तो उसके पास नेगेटिव चार्ज था ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज था। फिर 1932 में जेम्स चैडविक आए, उन्होंने डिस्कवर किया था सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इट ए न्यूट्रॉन, और इसको नाम दिया न्यूट्रॉन, इसको नाम दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। सिंस इट हैड नो चार्ज इट वाज इट इट्स मास वाज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं था, इसका वेट ना किस, इसका मास जो है वो किसके इक्वल माना गया? इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का जितना मास था
उतना ही मास इनका इसका माना गया, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइट मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। वो कह रहा है जो न्यूट्रॉन का जो मास है ना तो थोड़ा सा ज्यादा प्रोटॉन से। सर अभी तो ये कहते हैं सही है, वो बराबर है, अब कह रहे थोड़ा ज्यादा है। तो आप ना एक चीज ध्यान से देखा करो, चीजों को पढ़ा करो, रीड बिटवीन द लाइंस, डिटेल में पढ़ा करो। यहाँ पर वर्ड है ऑलमोस्ट, यहाँ पर वर्ड क्या है एग्जैक्टली लिखा हुआ ऑलमोस्ट, बोला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सर कितना डिफरेंस होता है, ये 672 है, ये 674 है, तो बहुत कम डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सर अगर इलेक्ट्रिकली बात की है यानी अगर चार्ज की बात की है तो ये न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब वो कुछ और कह रहा है, ये नया टॉपिक की स्टार्टिंग करवा रहा है जो हम आज नहीं करेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आप कोई एक सेम एलिमेंट बना दो, कोई एक मैटर है उसके जो एटम्स होते हैं ना वो डिफर कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। वो इन नंबर इन टर्म्स ऑफ अगर न्यूट्रॉन देखे तो वो डिफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आइसोटॉप्स फॉर्म होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं क्या नहीं होते ये हम आगे पढ़ेंगे, अगर आगे होगा तो, ठीक है। अभी आपको टेलीस्कोप है नहीं जिसके बारे में, ठीक है। ये तीन ही प्रॉपर्टीज है इसके, ठीक है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन बट नो न्यूट्रॉन। वो कह रहा है हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो क्या करता है ओनली एक प्रोटॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन है, बट एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। और अदर एटम्स हैव ऑल थ्री पार्टिकल, लेकिन और इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं उन सभी के पास तीनों तरह के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसमें से हमारी कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, ये पेंडिंग है, चैप्टर बड़ा है हमारे साथ ना भी हो पाए एक 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 बार में, मैं आपको बता दूँ एक बार में शायद ना भी हो पाए, ठीक है। मतलब दो वीडियो में नहीं भी हो पाए, तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मेरे को लगे वो मैं करा दूंगा पूरा, शायद ना हो पाए, बड़ा चैप्टर है जी। ये रह गया था ना डिस्कस डिसेबल न्यूक्लियस, तो ये पढ़ लो ना। इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड अ साइंटिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। इन 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट बेसिकली फाइंड करना चाहते थे कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ना वो किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट ये पता करना चाह रहे थे। His experiment led to the discovery of a small particle charged nucleus in the center of atom. तो इस डिस्कवरी से उन्हें एक स्मॉल पार्टिकल मिला जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। वो भी कहाँ पर था, एटम के बिल्कुल सेंटर में, एटम के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब इनकी भी तो एक्सपेरिमेंट है, भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाद में मैं डिसाइड करूँगा, मैं अब इसको
अब क्या करूँ मैं, है तो इम्पोर्टेंट, और अगर मैं सारी डिस्कवरी अगर सारी एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा ना तो मेरा कल का पूरा दिन चला जाएगा। सभी के पढ़ाऊंगा मैं तो सारा कुछ रहे। डॉक्टर रैक पे गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7.5 क्विज आपके रह गए अभी। ये आपका नहीं हो पाएगा बेटा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, लास्ट टाइम पे आपने चैप्टर भेजा है उस दिन भी आपसे मैंने बोलता कि भेज देते हैं, आपने पूरा दिन लगा लिया भेजने में। चलो ठीक है, जितना होगा उतना करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में देखता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वही कराता हूँ। ठीक है,